वेलकम बैक टू माई चैनल आलम बाथ फिटिंग गाइडलाइंस। तो आज आपको हम दिखाएंगे, सबको दिखाएंगे कि यूरिनल सेंसर का प्रॉब्लम क्या होता है। देखिए, मैं सेंसर के सामने हाथ रख रहा हूँ तो ये सेंसर काम नहीं कर रहा है। ये यूरिनल सेंसर है, इसमें देखिए पानी का फ्लो नहीं आ रहा है। तो इसका क्या करना पड़ेगा, तो किसी का घर में या ऑफिस में होने से, ये प्रॉब्लम होने से आप इमीडिएट खुद कर सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि नहीं कर सकते, सिर्फ एक स्क्रू ड्राइवर होने से आपका काफ़ी है। तो ये स्क्रू ड्राइवर से मैंने इसका सेटअप वाल्व को बंद कर दिया। ये जो ऊपर में जो पेच कोर्स दिख रहा है, ये सेटअप वाल्व है, वाल्व को मैंने बंद कर दिया। और ये नीचे जो मैं स्क्रू ड्राइवर से घुमा रहा हूँ, ये इसका फिल्टर, यानी स्क्रीन फिल्टर बोलते हैं इसको, तो ये फिल्टर को मैंने निकाल दिए। और इसमें ये डेब्रिस जम जाता है या तो आयरन जम जाता है, पानी में अगर ज़्यादा आयरन होगा तो ये जम जाता है, तो ये फिल्टर को ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक करने से आपका पानी का फ्लो नहीं मिलेगा, तो धीरे धीरे बंद हो जाता है। तो मैंने इसको पानी से क्लीन कर लिया है। और ये थोड़ा सा ब्रश भी आप मार सकते हैं, टूथ ब्रश दे के आप क्लीन कर लीजिएगा और भी अच्छा होगा। ये स्टेनलेस स्टील का जाली है, ये डैमेज नहीं होता है, ये बहुत साल तक चलता है। तो मैंने इसको क्लीन कर लिया। क्लीन करने के बाद इसको मैंने फिर फिक्स कर देंगे। फिक्स करने के बाद देखिएगा कि ये पानी एकदम सही तरीके से आ जाएगा, एकदम पानी का फ्लो एकदम एज इट इज आपका जैसे था ऐसे आ जाएगा। और नीचे जो आपको बॉक्स दिख रहा है, ये वाइट कलर का, ये बैटरी बॉक्स है, इसमें 4 डबल ए साइज का बैटरी लगता है। तो मैंने ये पानी को भी चालू कर दिया, फिल्टर को लगा के मैंने पानी को चालू कर दिया। अभी इसको बॉक्स को मैं सेंसर का प्लेट को फिटिंग कर दिया। अभी देखिए पानी का प्रेशर एकदम सही आ जाएगा। देखिए कितना अच्छा पानी का फ्लो आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना बार आप फ्लश करेंगे एकदम सही पानी आएगा। हाँ, लेकिन आपका लाइन में पानी का प्रेशर होना चाहिए। अगर प्रेशर है तो आपका ये प्रॉब्लम हो सकता है कि आपका डेब्री से या आयरन से ब्लॉक हो गया। तो आपका ऑफिस में या घर में अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो आप इसको खोल के आप एक स्क्रूड्राइवर का हेल्प से आप खुद ही कर सकते हैं। इसमें और कुछ नहीं होता है कि यूरिनल सेंसर में। तो ये बैटरी बॉक्स ही है और ये आपका सोलेनोइड वाल्व। सोलेनोइड वाल्व इतनी जल्दी ब्लॉक नहीं होता है, ब्लॉक हो जाता है आपका फिल्टर, फिल्टर धीरे धीरे ब्लॉक हो जाता है तो पानी का फ्लो एकदम लो हो जाता है। धीरे धीरे एकदम पानी आना बंद हो जाता है, एकदम फ्लो ही बंद हो जाता है। तो मैंने ये सेंसर ठीक कर लिया। तो ये एक मिनट का काम है, ये आपका ज़्यादा टाइम का काम भी नहीं है। तो हो गया मेरा यूरिनल सेंसर ओके। थैंक यू।